वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। कि हम हर वक्त ऊपर देख के बोलते हैं कि ये नेता ने ये करना चाहिए, ये कार्यकर्ता ने ये करना चाहिए, इस आदमी ने करना चाहिए। नहीं, मैं हर वक्त चुनाव लड़ते वक्त कहती थी कि दिस इज कॉल्ड इंडिया इज अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे इस लोकतंत्र में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, हर कोई इसमें अपना हिस्सा दिखाएगा। जब तक भारत पे प्यार घर पे सिर्फ भारत माता की जय बोल के या किसी कार्यक्रम में जय बोल के नहीं होता, हम उस जय में कहाँ अपना समर्पण दे रहे हैं बहुत ज़रूरी होता है। कम ज़्यादा, पूनम ज़्यादा देगी, आप 2% देंगे, लेकिन समाज में जब तक कोई समर्पण नहीं देता, काम नहीं करता, वो समाज आगे नहीं बढ़ता, वो समाज में संस्था नहीं बनती, वो शिक्षा की संस्था हो, वो संस्था आगे बढ़ाने की संस्था हो, वो अच्छा, एवरी कंट्री हैज़ टू लर्न टू कंडक्ट इट सेल्फ, द ह्यूमन बींग, द कंट्री मैन हैव टू नो हाउ टू कंडक्ट देम सेल्फ, कि हम कैसे रहते हैं। आखिरकार जब कहा जाता है कि पूनम को देखते हुए प्रमोद जी की याद आती है, समझो मेरा चाल चरित्र खराब होगा तो प्रमोद जी की याद आते हैं, दुख भी लगेगा, अच्छा होगा तो बोलेंगे अरे अच्छे बाप की अच्छी बेटी है। तो ये हम पे, हमारे भवितव्य पे तय करते हैं, हमारे भविष्य पे तय होता है, हमारे बच्चों पे, हमारी पीढ़ियों पे तय होता है कि कैसे हमने पिछले वक्त काम किया है। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भट्ट परिवार का। जब परिवार ने तय किया कि 1937 में 1937 50,000 रुपये, आप सोचिए ये बहुत बड़ी संख्या है, मतलब पैसे भी बहुत ज़्यादा है, तभी उन्होंने कहा कि ये हम अपनी तरफ से देते हैं जिससे एक संस्था शुरू हो, मेरे अगल बगल के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये सोच सिर्फ विले पार्ले की सोच नहीं थी, ये सोच पूरे देश में कहीं ना कहीं बढ़ रही थी, और उस सोच को आगे करके करके हम बिल्कुल स्वतंत्र भारत भी बने, लेकिन इस सोच को हम रोके नहीं। और आज मैं देखती हूँ जब हर कोई कहता है कि विले पार्ले को हम विद्या नगरी कहते हैं, पूरे महाराष्ट्र में कभी पुणे की लड़ाई होती है, कभी लातूर की लड़ाई होती है कि विद्या नगरी कौन सी है, लेकिन स्कूल और यहाँ के कॉलेज देख के और यहाँ के बच्चों की प्रतिशत के रूप से अच्छी पढ़ाई देख के और उनका सक्सेस रेट देख के महाराष्ट्र में कोई विद्या नगरी है तो मुंबई नहीं, विले पार्ले में है, और वो SVKM के वजह से। इसलिए मैं केलवानी मंडल को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप में सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे अच्छी बात है, लेकिन आप समाज को बदलने के लिए आपने पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया। एक नाम मिल जाए, ये सब मिल जाए, ये हमारा सौभाग्य है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन संस्था उस नाम से भी आगे एक भविष्य आगे बढ़ा रहा है। इसलिए मैं केलवानी मंडल को दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे कॉरपोरेटर बैठे, मेरे पिताजी ने 20 साल पहले एक बात कही थी, वो मैं कहूँगी और अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे ससुर जी के नाम पे वो फायर ब्रिगेड ये चीज़ थे कि हूँ, गुलाबा पे उनके नाम पे सड़क का उद्घाटन हुआ उनके नाम पे, तो तभी एक बहुत ज़बरदस्त भाषण मेरे पिताजी के नाम से हाथ से हुआ, तो उन्होंने भाषण दिया था कि हम सब जगह अपन सभी कड़े पाटिया लाओ, तो सब जगह हम बड़े बड़े प्लेट्स लगाते, नेम प्लेट कि ये पूनम महाजन रोड है, ये ऐसा फला रोड है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो जानती नहीं है कि रोड किसके नाम पे और क्यों है। क्यों ना, ये प्रमोद जी ने तभी भी बताया था उन कॉरपोरेटर्स को, क्यों ना एक लाइन हम नीचे लिखे कि वो आदमी किसके लिए जाना जाता है या औरत किसके लिए जानी जाती है। एक बच्चा वहां से जाए तो सोचे, क्योंकि
अभी भी हम पेडर रोड बोलते हैं, देशमुख रोड बोलते हैं क्या? एक आदत पड़ जाती है, तो उसका हमें आने वाली पीढ़ी को कुछ उस बात में समझाना हो कि उन्होंने 50,000 दिए, हम कह सकते हैं कि केड़वनी मंडल के संस्थापक थे, लेकिन लिखना तो चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया। तो समझो आप वो एक लाइन ऐड अगली बार कर सके उस पर, तो आने वाला बच्चा भी समझ पाएगा, क्योंकि बच्चे भी नहीं जानते होते क्या होता है। तो ये हमारा काम है इस वर्तमान का भविष्य को बताना कि वो इतिहास क्या था, ये वर्तमान का काम है, जो हमारा काम है। तो इतिहास का सम्मान रखना है तो वर्तमान को रखना पड़ेगा भविष्य को बताने के लिए। इतनी छोटा सा सुझाव देके मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने जो भारत में एक दुर्घटना हुई और हमारे जो CDS के प्रमुख चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत जी का अकस्मात दुर्घटना में निधन हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद में यहाँ पर जो हमारी उत्तर मध्य जिला की खासदार पूनम महाजन जी, इस विभाग के आमदार विलेपार्ले के पारा गलौनी जी और यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए भूपेश पटेल जी जो जॉइंट प्रेसिडेंट है SVKM के, और स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता जी, और इस नामकरण समारोह में अरविंद भट्ट जी, ऐसे सभी मान्यवर आज यहाँ पर उपस्थित थे। और उनके द्वारा इस गोखलीबाई के जो बाहर का एक रास्ता जाता है जिसको हम कहते हैं दादाबाई और भगत सिंह रोड, उस जगह को हमने गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर चौक का नामकरण किया है। ये इसलिए भी जरूरी था कि 1937 में गोखलीबाई पूनमचंद परिवार ने 50,000 रुपये का, उस ज़माने में आप कल्पना कीजिए कि आज से 75 साल पहले 50,000 रुपये का डोनेशन देकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्होंने कदम उठाया था। और आज वही SVKM आज लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के साथ में इस देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में फैली हुई है। और इसलिए आज हम सभी गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर के नाम को आज मुंबई महानगर पालिका ने और उनके माध्यम से इस चौक को सार्थक किया, उसके लिए मुंबई महानगर पालिका का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि भूपेश भाई के गाइडेंस में और जैसे हमारे आमदार और खासदार जो आए थे, ये काफ़ी लोग हमारे स्टूडेंट की, जो हमारे जो एरिया के स्टूडेंट्स की और लोगों की इच्छा थी कि गोखलीबाई पीताम्बर चौक हमको बनाना है, तो वो हमने इनिशिएटिव लेकर और आज वो दिन है जब वो हम कर पाए, तो हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। बहुत हम लोग यानी खुश है कि हम लोग के माध्यम से ये काम हो पाया। ये पूरा यानी मुंबई की शान है विले पार्ले का, ये जो SVKM है, हर फील्ड में यहाँ के जो भी बच्चे पढ़ के जो आगे बढ़े हैं, तो उसके वजह से हर फैमिली बहुत ही यानी संतुष्ट है। हर किसी को चाहते कि उनका बच्चा यही ग्रुप में आके पढ़े। एक बार यहाँ पर वो 3 साल का आता है तो वो 25 साल तक यहीं पर पढ़कर और वो बाहर निकलता है और पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हो जाता है कि वो वर्ल्ड को फेस करे। तो यानी ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमको ये यानी माध्यम मिला कि हम लोग थोड़ा सा कर सके। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसा कई भी अच्छे कार्य के लिए कोई मतलब कुछ सब घटनाएँ होती है, ऐसा नहीं। इस नामकरण समारोह के अंदर में गोखलीबाई विद्यार्थी मंडल और सभी लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। यहाँ के जो स्थानिक रहवासी है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। और जैसे ही प्रपोजल हमने इसको जब देखा और हमने जब मुंबई महानगर पालिका के प्रभाग कमेटी में इसको रखा, इम्प्रूवमेंट कमेटी में ये पास हुआ और उसके बाद में ये हाउस के अंदर में ये पास होकर के, लेकिन कोविड के कुछ कारणों की वजह से हम इस फंक्शन को 1 साल पहले नहीं कर पाए और कोविड का ही रीज़न था कि हम इस कार्यक्रम को 1 साल हमें आगे लेके जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज 12/12/2021 को इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर पाए, क्योंकि SVKM एक बहुत बड़ी संस्था जिसका पूरे भारतवर्ष में नाम है वो भी इनसे जुड़ी हुई है। और उसके जैसा मैंने कहा कि जब 29,000 बच्चे एक ज़माने में पढ़ते थे, आज उसका दायरा बढ़ करके 1,07,000 बच्चे SVKM के विद्यार्थी है पूरे साल में। और इस तरह से और भी काफ़ी जगह पे काफ़ी राज्यों में अभी तक जो जहाँ तक मुझे कह रहा है कि SVKM का जो परिवार है वो 6 राज्यों में और भी इसका फैला हुआ है। और इसलिए मैं इस गोखलीबाई पूनमचंद पीताम्बर के नामकरण के सोले पर मैं SVKM परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 29 राज्यों में, जो पूरा भारतवर्ष है हमारा, उस सभी जगह पे SVKM की बच्चे वहाँ पे पढ़े। क्योंकि आपको पता होगा कि मिठीबाई कॉलेज, अपना NMIM कॉलेज और DJ संघवी कॉलेज, मुकेश पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये ऐसे कॉलेज है जहाँ पे पूरे भारतवर्ष के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत डिमांड आती है और उसी प्रांगण का एक हिस्सा है। इसलिए हम भी आज इस पल को एकदम गौरव अनुभव करते हैं। और मैं भूपेश भाई से भी कहूँगा कि वो इस बारे में ज़रूर 2 शब्द कहें। आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि सुनीता, राजेश मेहता
और राजेश मेहता जी, दोनों की वजह से आज हमें भी प्राउड हो रहा है कि हमारी दादी, मतलब हमारे गोखली भाई पूनमचंद पीतम्बर फैमिली के अरविंद भाई भी यहाँ है, और उन्होंने उस वक्त 51,000 रुपीज़ डोनेशन दिया, तो आज ये श्री वेलेपाले कॉलोनी मंडल उस वक्त खड़ा हुआ, और उनकी वजह से आज उन्होंने सभी एक्स स्टूडेंट ने मिलकर राजेश मेहता और सुनीता मेहता जी को रिक्वेस्ट किया कि ये चौक का नाम इनका फैमिली का दिया जाए, और उन्होंने सब कोशिश करके आज उन्होंने आज हमारा अवसर मिला, और इस अवसर के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये एरिया सबसे पॉश इलाका माना जाता है, आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हमारा इतना ही कहना है कि ये एरिया के अंदर सबसे पहले श्री वेलेपाले कॉलोनी मंडल जहाँ से स्टार्ट हुआ, और जहाँ जिन फैमिली ने ये पैसा दिया है, उस ज़माने के अंदर 1937 के अंदर गोखली भाई फैमिली ने आज हमें ये पैसा दिया, और उस वक्त के हमारे जो बुज़ुर्ग हो गए उन्होंने सब मेरे मिलके आज SVKM खड़ा किया, और सभी ट्रस्टी और उसके राजेश मेहता और सुनीता राजेश मेहता के आभारी है। सर, मैडम ने पूरा मैडम ने कहा एक लाइन लिखनी चाहिए ताकि उनके बारे में लोग समझे, करने वाले ऐसे हमने जैसा पूनम जी ने कहा तो हमने वैसे ऑलरेडी एक लाइन लिखी है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्य भी हमने वहाँ पे लिखे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे पूनम जी ने कहा है कि थोड़ा गोखली भाई पूनमचंद पीतम्बर का जो उनका जो उनकी पूरी जीवनी है वो ज़रूर हम उस तख्त के आसपास लिखेंगे, जिससे लोगों को उनका इतिहास समझ में आए और वो भी एक प्रेरणा ले कि 1937 में 50,000 का जो डोनेशन जो आज का करीब करीब 100 करोड़ के ऊपर होता है, उसकी जो प्रेरणा उस जमाने में उन्होंने दी थी, वैसे ही शिक्षा के लिए लोगों को एक तरह की भावना प्रेरित हो और ऐसी और भी ऐसी अच्छी अच्छी संस्थाओं आगे आए, यही आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ।